सो ही गाइस एक्सट्रीम हियर एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पिक्सेलमोन सीरीज जिसका नाम है पिक्सेलमोन स्पिन द व्हील। तो इस सीरीज में बेसिकली हमारे पास दो व्हील्स होने वाले हैं, एक पोकेमोन का व्हील और एक पोकेबॉल्स का व्हील। पोकेमोन के व्हील के सारे पोकेमोन तुम लोगों के कमेंट से चूज होंगे एंड पोकेबॉल्स रैंडमली। एंड हर एपिसोड का चैलेंज रहेगा कि मुझे चूज हुए स्पेसिफिक पोकेमोन को चूज हुए स्पेसिफिक पोकेबॉल से ही पकड़ना पड़ेगा। तो आज के पोकेमोन के व्हील में तुम लोग देख सकते हो कुछ ही पोकेमोन है यहाँ पर, क्योंकि तुम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट में शाइनी पोकेमोन से भर दिया था। एंड आई नो शाइनी पोकेमोन बहुत ही अच्छे होते हैं, बट किसी स्पेसिफिक पोकेमोन का शाइनी पकड़ना इज नियरली इम्पॉसिबल मेरे लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए पोकेमोन्स का नाम इस वीडियो में कमेंट करने से पहले तीन चीजें ध्यान रखना। पहला, पोकेमोन नॉन शाइनी होना चाहिए। दूसरा, पोकेमोन नेचुरली स्पॉन होना चाहिए। और तीसरा, एक आदमी सिर्फ एक ही कमेंट करना। ओके, तो देरी न करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना पोकेमोन चूज करते हुए। कोई अच्छा सा आसान सा पोकेमोन मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे इन्फर्नेप में रुक जा भाई, उसी नहीं। आई हेट दिस व्हील, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो यूक्सी एक ऐसा लेजेंडरी पोकेमोन है जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, और पहले वाले सीरीज में इसने मेरा पूरा दिमाग खराब किया था। बट क्या ही कर सकते हैं, होप करते हैं कि कोई अच्छा सा पोकेबॉल मिले हमें। बहुत बढ़िया, अच्छा सा पोकेबॉल बोला था मैंने और नॉर्मल पोकेबॉल मिल गया। नॉर्मल पोकेबॉल से यूक्सी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, बट कोई ना, चैलेंज तो हम लोगों ने ले लिया है तो चैलेंज कंप्लीट भी करके रहेंगे। तो जल्दी से एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और अलाउ चीज ऑन रखते हैं, क्योंकि मुझे ईवीज और आईवीज देखना है। नाम देखो जरा तुम लोग। तो वर्ल्ड तो क्रिएट हो रहा है, मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी किए हैं लेजेंडरी के स्पॉन रेट में, क्योंकि पिक्सेलमोन के डिफॉल्ट स्पॉन रेट बहुत ही ज्यादा घटिया है। वैसे उस व्हील में फ्रोकी भी था, अगर मैं फ्रोकी यहाँ से चूज कर लेता तो काउंट नहीं होता वो। स्प्रिगटिटो चूज करते हैं क्योंकि आई लव कैट्स। और चलो 1.16 का ये तो फायदा है कि हमें विलेज में स्पॉन मिलता है। इस विलेज में क्या कोई चेस्ट वगैरह है जहाँ से मुझे पोकेबॉल मिल सकते हैं? यहाँ पर व्हाइट एप्रिकॉन है, ले लेते हैं। हमें इस वर्ल्ड में बहुत तरीके के पोकेबॉल की जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे इस वर्ल्ड में एक मेगा एप्रिकॉन फार्म बनाना पड़ेगा। और मेगा पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैंने ऐसे ही बोल दिया ताकि अच्छा लगे। शॉपकीपर है यहाँ पर, पोकेबॉल बेच रहे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भाई। वैसे यूक्सी स्पॉन कहाँ पर होता था मैं वो भी बोल गया। आई थिंक बीच फॉरेस्ट बायोम में था, होता था शायद। शिपरेक है वहाँ पर, देखते हैं। बरी ट्रेजर मैप, ये विलेज तो बहुत ही छोटा है, सिर्फ तीन ही घर हैं यहाँ पर। आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा और रेड एप्रिकॉन्स ढूंढने पड़ेंगे मुझे। वो रहे रेड एप्रिकॉन्स, चलो बहुत ही बढ़िया। ये रहे ब्लैक, योलो भी मिल गया यहाँ से, नाइस। ग्रीन भी है यहाँ पर। टोटल कितने कलर के होते हैं मैं भूल चुका हूँ। अगर मुझे कोई चेस्ट वाला विलेज मिल जाए तो वहां से मुझे पोकेबॉल तो मिल सकते हैं इजिली। ये स्पॉन तो मुझे बहुत ही बेकार जगह पर मिला है। ओके, वहां पर एक और विलेज है एंड आई थिंक उस विलेज में चेस्ट वगैरह भी हो सकता है। चलो ये विलेज तो मुझे बहुत ही सामने मिल गया। यहाँ पर कुछ चेस्ट वगैरह है क्या? अरे दुख भाई, यहाँ पर भी नहीं है। इसे तोड़ कर ले जाते हैं। और एक हीलर भी आई थिंक मुझे नहीं मिलेगा, बट एल्यूमिनियम इंगट मिल गया। चलो इसे भी तोड़ लेते हैं, इसे भी तोड़ लेते हैं, कुछ नहीं पता तुझे। एंड इस पीसी को भी ले लेते हैं, इनको भी ले जाते हैं, डेकोरेशन के काम में लग जाएगा। एंड थोड़ा सो भी लेते हैं। यहाँ पर मैं जब आया ही हूँ तो यहाँ से हेबे ले लेते हैं बहुत सारा। वे ये तो वो है ना, ऑफिसर जेनी आई थिंक नाम था इसका। ओके, यहाँ पर आयरन है। अरे ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा बुइजल? वाह भाई, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे उठने दे मुझे बुइजल। क्या भाई, ये बुइजल को क्या प्रॉब्लम है मेरे से? हट जा, मोलेस्टर केस कर दूंगा मैं तुझ पे। ये क्या दे रहे हैं? कैन यू डिफीट 5 डिफरेंट पोकेमोन? यस आई कैन। ये बुइजल मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या चाहिए तुझे बोल, तू अनऑफिशियल पेट बन गया है क्या मेरा? अरे बुई बुई कुछ बोल भी ले, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मेरे बेसमेंट में लॉक कर दूंगा तुझे। इनकी भी बात सुन लेते हैं। विजिट द एंड। ओके, यहाँ पर अगर डेजर्ट बायोम है तो और भी विलेजेस तो रहना चाहिए। यहाँ पर एक पोकी लूट, बहुत बेकार चीज। स्वयं बायोम है क्या वहाँ पर? ओके गाइस, सामने एक और विलेज है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब होप करते हैं कि इस विलेज में तो हो। वो रहा, मैं इन शॉप्स की बात कर रहा था। यहाँ से जो है हमें पोकेबॉल्स मिल सकते हैं ऐसे, और बहुत सारे खाने की चीजें भी। ओके, मुझे तो यहाँ पर खजाना मिल गया भाई, जो मुझे चाहिए थे यहाँ पर मिल गए, चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर और भी शॉप्स है, चलो बहुत सारे लूट्स मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी से ये सारे लूट कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से।
ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीजें लूट लिए हैं और मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बेच भी दिए थे, जिससे कि मेरे पास यहाँ पर 16,800 मनी आ चुके हैं। अब इस पैसों से जो है मुझे पोकेबॉल्स खरीदने हैं नॉर्मल वाले, बट यहाँ पर कोई शॉप नहीं दिख रहा मुझे, तो हम लोग जिस विलेज से आए हैं उस तरफ ही चलते हैं दोबारा, क्योंकि वहाँ पर शॉप्स थे। और ये सर्वाइपर देखो कितना छोटा है, आई थिंक ये पिग्मी होगा। ओके तो शॉप में तो आ गए हम लोग, अभी यहाँ से पोकेबॉल खरीद लेते हैं बहुत सारे, आई थिंक जितने हो सके उतने तो खरीदने चाहिए, क्योंकि पोकेबॉल से यूक्सी को पकड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है और इसीलिए बहुत सारे पोकेबॉल्स भी लगने वाले हैं हमें। चलो तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टैक और 20 पोकेबॉल्स आ चुके हैं, बट ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होने वाला यूक्सी के लिए, मैं बोल रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश करके देखते हैं। अभी चलते हैं यूक्सी के स्पॉन होने वाले बायोम में, जो कि है डार्क फॉरेस्ट बायोम, एंड आई डोंट थिंक मैंने डार्क फॉरेस्ट बायोम अभी तक देखा है। यूक्सी जो है डार्क फॉरेस्ट बायोम में आफ्टरनून टाइम में स्पॉन होता है। वो क्या है, पोकी स्टॉप है ना वो, ये पोकी स्टॉप ऐसे कवर्ड क्यों है, ये बेर ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हमें थोड़ी बहुत चीजें मिल गए। एक्सपी कैंडी मैं अपने स्प्रीकर टिकटों को दे देता हूँ, इसका सिर्फ 6 लेवल हुआ 5 से। हाँ वो एक्सपी कैंडी स्मॉल भी था। मुझे जल्दी से एक डार्क फॉरेस्ट बायोम ढूंढना है, और रुको यहाँ पर मुझे पिंक कैप्टिकॉन भी मिल गए, लातियो स्पॉन हुआ है वो रहा, बट हमें तो यूक्सी चाहिए। ओके तो फाइनली मुझे यहाँ पर डार्क फॉरेस्ट मिल चुका है। चलो बहुत देर के बाद मिला मुझे ये, पता नहीं मैं कब से ढूंढ रहा हूँ ये डार्क फॉरेस्ट, और ये इतना इतना छोटा क्यों है भाई ये डार्क फॉरेस्ट। अरे भाई ये क्या डार्क फॉरेस्ट है, यहाँ पर तो सारे के सारे प्लेन्स और ये स्प्रूस बायोम के पोकेमॉन स्पॉन होंगे। मिला तो मिला, वो भी क्या ही डार्क फॉरेस्ट मिला, चेक स्पॉन लेजेंडरी में जर्निया स्पॉन हो सकता है, और जर्निया स्पॉन भी हो गया, ये आफ्टरनून टाइम ही तो है। ये रहा जर्निया, इसमें पोकेबॉल थ्रो करके देखते हैं। रुको, हमारा रूल है कि हमें वो पोकेमॉन पकड़ना है, बट ये नहीं कि हम लोग दूसरे पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते। और ये एक ही अल्ट्रा बॉल में कैच हो गया भाई, हम लोगों ने अपना पहला लेजेंडरी पोकेमॉन एक ही अल्ट्रा बॉल में पकड़ लिया, चलो बहुत ही बढ़िया। ये रहा सर्नियस, अरे रुक भाई मैं इस पे उड़ सकता हूँ क्या, नहीं उड़ नहीं सकता, ये कैसे बैठा हूँ मैं इसके अंदर। चलो यहाँ पर डार्क फॉरेस्ट थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यूक्सी स्पॉन हो सकता है। ओके 80% चांसेस है, बट 12 मिनट में स्पॉन होगा और 12 मिनट में तो आई थिंक आफ्टरनून नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सामान बैठा लूँ अपने। ओके गाइस तो हमें लोकेशन तो मिल चुका है, अब मुझे सिर्फ यूक्सी स्पॉन होने का वेट करना है, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को यूक्सी के स्पॉन होने के बाद, देखते हैं कितना टाइम लगता है, आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद मैं यूक्सी के स्पॉन होने का वेट कर रहा था, और तभी वहाँ पर एक जर्निया स्पॉन हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जर्नियस को भी पकड़ने का ट्राई करते हैं, और थोड़ी अल्ट्रा बॉल में ये जर्नियस भी कैप्चर हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 लेजेंडरी जर्नियस आ गए थे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने यहाँ पर 2 फ्लिंट एंड स्टील बना लिए, एंड मैंने शुरू कर दिया यहाँ पर इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को तबाह करना। तो जो फॉरेस्ट थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा लग रहा था, उसका हाल मैंने कुछ ऐसा कर दिया, और मैंने चारों जगहों पे पानी फैलाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि यूक्सी जो है पानी में स्पॉन होता है, तो इस जगह का हाल मैंने ओवरऑल कुछ ऐसा कर दिया। फिर मैं अपने मजे से ब्रेड खा रहा था यूक्सी का वेट करते करते, और यूक्सी स्पॉन भी हो गया यहाँ पर। ओके तो गाइस यहाँ पर जो है अभी यूक्सी स्पॉन हुआ है, पर सब मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। वो रहा यूक्सी, मिल गया मुझे, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैंने इसे ढूंढ तो लिया, बट इसे पकड़ना बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। रुक जाओ यूक्सी भाई, मुझे फुल स्पैम मारना है इसपे पोकेबॉल्स, इसे अल्ट्रा बॉल में भी पकड़ना बहुत मुश्किल है, और ये तो फिर भी पोकेबॉल है, देखो कितने स्पीड से तोड़ रहा है ये, आई थिंक मेरे पोकेबॉल वेस्ट होने वाले हैं सारे के सारे। इसका स्पीड जो पोकेबॉल तोड़ने का वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके सामने ये पोकेबॉल्स, एंड आई थिंक इसे ऐसे एक्सटर्नली पकड़ना ज्यादा अच्छा है इसे डैमेज देके पकड़ने से, बट देखते हैं अगर ऐसे नहीं आता तो डैमेज देके ट्राई करेंगे। हाफ स्टैक पोकेबॉल खत्म। ओके अरे यार नहीं आया, थोड़ा सा ज्यादा एनिमेशन हुआ था, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है आई थिंक, बट बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही रेयर चांस होगा इसके आने का। देखो खिलौने की तरह तो रहा है ये पोकेबॉल्स को, इसके सामने ये खिलौना ही है, ये 50 लेवल का है फिर भी। ओके लास्ट पोकेबॉल बचा है मेरे, एक स्टैक पोकेबॉल खत्म। अभी मेरे पास सिर्फ 20 पोकेबॉल्स है, तो इस पे डैमेज दे के पोकेबॉल फेंकने का ट्राई करते हैं। मुझे बस ध्यान रखना है कि कहीं ये एक हिट में ना मर जाए। ओके काफी ज्यादा डैमेज हुआ, 16% हेल्थ बचा है इसका। अभी पोकेबॉल थ्रो करते हैं, तोड़ दिया इसने, ये ब्रोक फ्री हुए जा रहा है एज एक्सपेक्टेड। आजा भाई यार, फिर से ब्रोक फ्री, और ये स्लीप पे चला गया, 100% हेल्थ हो गया इसका। फिर से नाइट स्लैश यूज करें क्या, मरना चाहे। ओके 15% हेल्थ, आजा भाई यूक्सी। ओके वेटिंग तो काफी,
अरे यार, वेटिंग काफी देर तक रहा उस बार। ये वैसे ज़ेनियस को मार तो नहीं पा रहा, इसने फिर से रेस्ट का यूज कर लिया। बट रुको, नाइट स्लैश यूज करते हैं। ओके, 10% हेल्थ हो गया इसका नाइट स्लैश यूज करने से। अब प्लीज पोकेबॉल में आ जा भाई, होप करो सभी लोग। बहुत ही मुश्किल है भाई, ब्रोक फ्री हो रहा है ये। 10 ही पोकेबॉल बचे हैं, सिर्फ 7 पोकेबॉल। मुझे नहीं लगता होने वाला है ये, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक मुझे और भी पोकेबॉल्स चाहिए होंगे, बट अभी तो मेरे पास नहीं है। अरे यार, ये मर गया नाइट स्लैश यूज करने से। दुख भाई यार, बहुत ज्यादा दुख। बट कोई ना, हमें इसका स्पॉन लोकेशन तो मिल चुका है, ये यहाँ पर ही स्पॉन हो सकता है इजीली। बस मुझे थोड़े से पोकेबॉल्स बनाने या खरीदने पड़ेंगे। इसी बीच मैंने अपने स्प्रीगटिटो को भी इवॉल्व कर दिया और वो यहाँ पर इवॉल्व होने के बाद बन गया फ्लोरागाटो नाम का एक पोकेमॉन। तो फ्लोरागाटो के लुक्स कुछ यहाँ पर ऐसे है, तुम लोग देख सकते हो। मुझे तो काफी कूल लगे इसके लुक्स। एंड मैंने रेड एप्रिकॉन्स भी लगाने चालू कर दिए यहाँ पर। एक ज़ेनियस भी आ गया था मेरा हालचाल पूछने, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी पकड़ने का करते हैं, और इसे भी मैंने काफी इजीली ग्रेट बॉल से पकड़ लिया। ओके, तो गाइस ये है अगला दिन, और अभी जो है यहाँ पर यूक्सी स्पॉन हुआ है, वो भी दो दो स्पॉन हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे एएफके था और आई थिंक फिर से मुझे नहीं पता, मुझे लगता है फिर से पोकेमोन का लेजेंडरी कुछ ट्रिगर्ड हो गया होगा शायद मेरे एएफके रहने की वजह से। बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मैं पॉज स्क्रीन में था ऐसे। तो यहाँ पर सच में दो यूक्सी स्पॉन हो गए, चलो उनके साथ मुलाकात करके आते हैं। मेरे पास दो स्टैक से थोड़े ही ज्यादा पोकेबॉल है, एक तो ये रहा और एक कहाँ पर है, दोनों को मैं एक जगह पर, और एक वो रहा, दोनों को मैं एक जगह पर ला सकता हूँ क्या? इसे यहाँ से थ्रो करते हैं और पोकेबॉल टूट गया हो, और इसे ऐसे। आई थिंक मुझे किसी एक पे फोकस करना चाहिए। अरे भाई कोई तो आ जाओ, दोनों के दोनों ही पोकेबॉल तोड़ रहे हैं। मैंने पहले दिन के हिसाब से इसमें बहुत ही मुश्किल चैलेंज ले लिया है। रुको, इस पे फोकस करते हैं, वो वाला छोड़ो। बट पता नहीं मुझे क्यों दोनों पर ही ट्राई करने का भी मन हो रहा है। इससे मैं उस जगह पर ले जा सकता हूँ क्या? चलो, मैंने दोनों को लगभग सेम जगह पर तो ला के रख दिया है, बट फिर भी दोनों ही पोकेबॉल तोड़ रहे हैं। कोई तो कैच हो जा भाई, किसी तरीके से अगर लक काम कर जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दोनों को बहुत ही आसपास लेके रख दिया है मैंने, बस कोई एक तो पकड़ में आ जाए। ओके, अभी मैं पोकेबॉल वेस्ट करने वाला, अभी मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक स्टैक ही पोकेबॉल बचे हैं, इसका हेल्थ थोड़ा कम करके देखते हैं। अरे, इसने स्लीप यूज कर लिया, बट ये मर भी गया एक हिट में। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है, बस मुझे इस वाले को नहीं मारना। तो इस वाले पे ऐसे ही यूज करते हैं, मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना भाई। किसी एक तो पोकेबॉल में आ जा, 60 है और मेरे पास, वैसे तो इसके औकात में है 60 पोकेबॉल तोड़ना बहुत ही आसानी से, वो भी 50 पोकेबॉल्स और 40 पोकेबॉल्स। और आई थिंक मुझे एक्सटर्नली पोकेबॉल्स थ्रो करने चाहिए, नहीं तो इसके मूव्स के अगर आईबीज खत्म हो जाए तो ये स्ट्रगल यूज कर लेगा। मतलब अगर मूव्स खत्म हो जाए तो ये स्ट्रगल यूज कर लेता है और खुद को ही मार देता है। तो एक्सटर्नली पोकेबॉल स्पैम करते हैं और होप करते हैं कि किसी तो पोकेबॉल में आ जाइए। ओके, फाइनली भाई, मेरे पास सिर्फ 11 पोकेबॉल्स बचे थे। फाइनली ना जाने कितने पोकेबॉल्स यूज करने के बाद ये यूक्सी पकड़ में आया। मैंने हाल छोड़ दिया था कि ये पकड़ में आने वाला है। सच बोलूं तो मैं पनिशमेंट के बारे में सोच रहा था अगर मैं ये चैलेंज कंप्लीट नहीं करता तो। बट फाइनली ये आखिरकार जाके पकड़ में आ गया यूक्सी। रुको, इस यूक्सी का नाम भी रखेंगे हम लोग, ये ठीक है, एकदम ठीक है, जिद्दी पिद्दी यूक्सी। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये पकड़ में आ गया, ये ना जाने मेरे कितने सारे पोकेबॉल्स खाए हैं इसने। चलो, फाइनली हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हुआ। एंड ये पहला ही एपिसोड है सिर्फ, और इसका ही चैलेंज करने में इतना मुश्किल हुआ। जरा देखो, मैंने यहाँ पर इतने सारे रेड एप्रिकॉन के ट्रीज लगाए थे पोकेबॉल्स बनाने के लिए। यहाँ पर रेड एप्रिकॉन का फार्म बना दिया है मैंने पूरा, और मैंने बहुत सारी माइनिंग भी की थी पोकेबॉल्स के बेस बनाने के लिए। बट फाइनली गाइस, हमारा ये चैलेंज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को कौन सा पोकेमॉन चाहिए कमेंट करके बताना, और एक पर्सन से एक ही पोकेमॉन का नाम सजेस्ट करना, नहीं तो मैं कमेंट को नहीं ले पाऊंगा। एंड हो सके तो थोड़ा आसान पोकेमॉन सजेस्ट करना, ये यूसी भाई बहुत ही मुश्किल था। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो का लाइक एम रखते हम लोग 200 लाइक्स का। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगले नए वीडियो में पिक्सेल मॉन्स स्पिन द व्हील के।